वेल हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. आई एम छवि. तो जैसे कि आपने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं स्विस ब्यूटी के जो लिक्विड आई शेडोज़ हैं जो आप देख रहे हो, इनका आपको हैंड स्वाचेस चाहिए थी, तो मैं वही लेकर के आपके साथ आज आई हूँ. और मैं आपको स्वाचेस देने वाली हूँ, अच्छे से आपको कलर्स दिखाने वाली हूँ ये कौन से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि मैं इसके साथ आई लुक्स जो है वो क्रिएट कर चुकी हूँ. अगर आप वो आई लुक्स देखना चाहते हो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जा करके चेकआउट कर सकते हो. आज आपको इसके हैंड स्वाचेस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ये कलर्स चाहिए और वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कौन सा कलर को एक्चुअल में क्या शेड देता है. तो क्योंकि ये काफ़ी हद तक मिलते जुलते शेड्स हैं, तो इसलिए मैं आपको स्वाचेस देने वाली हूँ बहुत क्लियर, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको कौन सा शेड चाहिए. कुछ शेड्स तो बहुत पर्टिकुलर हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, बट कुछ शेड्स ऐसे हैं जो आपको कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं, इसीलिए मैं आपको बहुत क्लियरली आज दिखाने वाली हूँ. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो उस रेड बटन को हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही में आपको बेल बटन भी मिल जाएगा, उसको हिट कर दीजिएगा. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन के ऊपर मिलेगा और आप मेरी वीडियोज़ को देख सकेंगे. तो चलिए स्वाचेस स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी है शेड नंबर 01. ये येलोइश गोल्डन शेड है, आप यहाँ देख सकते हैं. दिस इज़ 01 गोल्ड गॉडेस और ये बहुत प्रिटी शेड्स है. शेड है मेरा बहुत फेवरेट वाला है, मैंने इसको काफ़ी सारी वीडियोस में यूज़ किया हुआ है. मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियोस में आपको कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखा दूँ कौन सी हैं. और ये देखिए इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, बहुत प्रिटी है, और ये बिल्कुल लिक्विड लिपस्टिक की तरह ही मैट हो जाते हैं जब आप इनको यूज़ कर लेते हैं. तो ये है शेड नंबर 01. इसको सूखने देते हैं. चलिए तब तक दूसरे का हम हैंड स्वॉच ले लेते हैं. दिस इज़ शेड नंबर 03. 02 शेड मेरे पास नहीं है, मैंने बहुत कोशिश किया उसको लेने का पर वो आउट ऑफ स्टॉक है, क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है, बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, बहुत कम मिलता है. तो 02 शेड बिल्कुल सिल्वर शेड है. अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं फ़ोटो मेंशन कर दूंगी आपको, और इन केस अगर स्टॉक में हुआ तो मैं आपको ज़रूर मेंशन करूंगी. इनका लिंक भी मेंशन करूंगी आपको कहां पर मिल जाएंगे. अगर अमेजोन पर इजीली अवेलेबल हुए तो मैं आपको ज़रूर लिंक दे दूंगी ताकि आप इजीली ले पाओ. तो 02 मेरे पास नहीं है, तो वो बिल्कुल सिल्वर शेड है. तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ 03 शेड. ये है 03 शैम्पेन शेड और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेड है. एक्चुअल में ये मेरे को सारे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हर एक कलर में एक अलग सा जादू है जो बहुत प्रिटी लगता है मेरे को. तो ये देखो, दिस इज शेड नंबर 03. फोकस करके दिखा रही हूँ. 1/5 पिगमेंटेशन है. इनकी तारीफ करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट इसकी खुद तारीफ करता है, क्योंकि ये वाकई में बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है. अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा. तो चलिए मैं अब आपको स्वॉच देती हूँ शेड नंबर 04 का. ये है शेड नंबर 04 एंड दिस इज़ स्मोकी स्ट्रॉम, इसके ऊपर लिखा हुआ है. और ये पैकेजिंग चेंज हो गई थी, मैंने थोड़ी देर बाद इसको लिया था, तो यहाँ से हट करके अब उन्होंने यहाँ पर लिखना चालू कर दिया है इनका शेड नंबर. तो दिस इज़ शेड नंबर 04 स्मोकी स्ट्रॉम. ये भी बहुत प्यूटी प्रिटी वाला शेड है और बहुत अच्छा लगता है. इसमें थोड़ा सा सिल्वर टिंच है कॉपर में, तो नाइट टाइम पर अगर आप इसको वेयर करते हो तो ये बहुत प्रिटी लगेगा आपके ऊपर. और आइज पर तो ये इससे भी ज़्यादा पिगमेंटेशन देते हैं. तो ये रहा नेक्स्ट शेड. इसके बाद मैं आपको स्वॉच दे रही हूँ शेड नंबर 05 का. दिस इज शेड नंबर 05, एज यू कैन सी फोकस. यस, दिस इज शेड नंबर 05 रोज़ गोल्ड रेट्रो. और ये इतना ब्यूटीफुल शेड है आप मानोगे नहीं, मैंने इसको अपने देवर की शादी में वेयर किया था, मुझे ये इतना पसंद आया था और ये बहुत देर तक टिका रहा मेरे आइज़ के ऊपर. लगभग मैंने इसको मॉर्निंग में अप्लाई किया था और मैंने मेकअप उतारा था रात को काफ़ी लेट 10-11 बजे, तब तक ये मेरी आइज़ के ऊपर टिका हुआ था. तो आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी. तो चलिए इसका स्वॉच मैं आपको दे देती हूँ. क्वालिटी वाइज इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत हाई एंड ब्रांड के साथ भी ये कंपेरेबल है ये वाले लिक्विड आई शेड्स. तो आप देख सकते हो मैं बहुत हल्के हाथ से आपको स्वॉच दे रही हूँ. अगर मैं बहुत दबा के दूंगी तो आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन मिलेगी जो देखने में अच्छी नहीं लगती है, तो मैं लाइटली इसलिए दे रही हूँ ताकि आप कलर देख सको कि कलर एक्चुअल में क्या कलर्स हैं. ठीक है, तो इसके बाद मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको ये कैसे किस तरह के ड्रेसेस के साथ जाएंगे. नेक्स्ट मैं आपको ये स्वॉच कर रही हूँ, ये है शेड नंबर 06. दिस इज़ मोल्टन मिडनाइट एंड दिस इज़
गन मेटल ब्लैक शेड विद शिमर, आप देख रहे हो मैंने इसको काफी इस्तेमाल किया है। यूट्यूबर्स जो होते हैं ना, अगर इतना भी प्रोडक्ट उनका खत्म हुआ है ना, दैट मीन्स प्रोडक्ट वाकई में अच्छा है, क्योंकि उनके पास इतने प्रोडक्ट्स होते हैं कि एक प्रोडक्ट को यूज करने के बाद वो महीनों उसको दोबारा यूज नहीं करते। लेकिन मैंने इसको बहुत यूज किया है, तो आप देख सकते हो कि कितना प्रिटी होगा। तो चलिए इसको ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको स्वाच कर लेते हैं। वाओ, बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी, सुपर डुपर पिगमेंटेशन है bomb.com। तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा, मेरा मन था कि मेरे को लास्ट शेड भी मिल जाए और मैं आपको स्वाच करके दिखा दूँ, तो उसका भी मैं आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से अरेंज करके मैं एक फ़ोटो ज़रूर मेंशन करूँगी ताकि आप देख पाओ। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो ये है प्रॉपर गोल्डन शेड, प्रॉपर गोल्डन शेड है, येलो गोल्डन शेड, और ये बहुत पिटी लगेगा अगर आप ब्राइडल्स पे भी यूज़ करना चाहते हो। अगर प्रोफेशनल्स भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगा इसका, बिकॉज दे आर स्मच प्रूफ, दे आर वाटर प्रूफ, ये कहीं नहीं जाते। मैं आपको वाटर टेस्ट भी अभी करके दिखाऊंगी, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। तो नेक्स्ट ये जो शेड है ये शैम्पेन शेड है, आप देख सकते हो गोल्डन है, गोल्डन अलग एक डिफरेंट काइंड ऑफ कॉपर गोल्डन कलर है। नेक्स्ट आपको कॉपर में सिल्वर का टिंच मिल रहा है, ये देखिए अभी ये सूख चुके हैं, ये देखिए हाथ लगा रही हो तो ये नहीं लगेगा। नेक्स्ट दिस इज रोज गोल्ड शेड है, ये प्रॉपर रोज गोल्ड, जिसको रोज गोल्ड कहते हैं ना, रोज और गोल्ड का मिक्सचर होता है, ये वही शेड है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैंने बता दिया ये गन मेटल ब्लैक शेड है, इसमें आपको शिमर मिलेगा और ये बहुत पिटी हैं सारे के सारे। अगर आप सारे भी खरीद लेते हो तो भी आपको ये बिल्कुल कंप्लेंट नहीं देने वाले हैं, आपके सारे इस्तेमाल हो जाएंगे। और आप इनकी चमक देखो, अच्छे से अच्छा ग्लिटर भी आपको इस तरह की चमक नहीं दे पाएगा जिस तरह की चमक ये दे रहा है आपको, बहुत पिटी है, बहुत 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 पिटी है। तो आप वाटर टेस्ट जो है वो देख सकते हो, पानी में आपको मैं इसके सामने में बिल्कुल इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं दिखा रही हूँ, आराम से दिखा रही हूँ। आप देखो पानी से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पानी गिरने पर, और काफ़ी देर तक मैंने इस पर पानी गिराया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो गाइज आप देख सकते हो बिल्कुल इनकी इंटेंसिटी में कोई भी पिगमेंटेशन में फ़र्क नहीं पड़ा है पानी में गीला होने के बाद। तो मैं बस जस्ट पानी सुखा करके आपको फिर से इसको स्मच करके दिखाऊंगी कि ये कैसे दिखते हैं स्मच होने के बाद। सो अभी मैं इसको स्मच करके आपको दिखा रही हूँ, आपको कम्प्लीटली ड्राई करके इसको स्मच करना है, तो ये देखो गीला होने के बाद इसके हल्के फुल्के ग्लिटर जो हैं वो निकले हैं। अगर आप गीला नहीं करोगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो बेस्ट आई शेडोज़ हैं लिक्विड वाले, बहुत जल्दी इस्तेमाल होने वाले हैं, फटाफट इस्तेमाल कर सकते हो आप इनको, कहीं भी जाना है। प्लस बहुत अफोर्डेबल हैं ये, 150 में आपको आराम से मिल जाता है एक पीस, अगर ऑफ लगी हो तो इससे भी सस्ते में मिल जाएगा, और इतने सस्ते में इतनी अच्छी क्वालिटी मिल जाए तो भाई क्या बात है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।